आज मैंने यहाँ पे एक बिल पास कराया है, सब महिलाएं तैयार होके घर के अंदर रहती है, घर के अंदर बैठती है और सारे पुरुष बाहर मजे ले रहे हैं। हम लोगों को अधिकार नहीं है क्या कि हम भी बाहर जाएं? पापा आ गए। मैंने मौसा जी को बोला है कि आप हमारे साथ दीजिए कि घर की औरतें बहू बेटियां भी बाहर आए, पल्ले में आ जाए, कोई बात नहीं, जिसको आना है करवा दिया। देखा मेरी बात, आप लोग मेरे साथ ताली बजाइए मेरे। देख लेंगे फिर कहेंगे मेरी माँ शिकायत कर रही थी, सब मेरे पापा की शिकायत, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। वो भी बोलेंगे ये लड़का ना, मम्मी अनजाने में पकड़ी जाए, लड़का ना जागा करके सबका शिकायत, कैमरा खड़ा करके सबका झगड़ा रिकॉर्ड करता है। तीनों बहने हैं बैठ के अपने अपने पति की बुराई कर रही है कि हमारे वाले के साथ 10 दिन रहो तब पता चलेगा, हमारे वाले के साथ 10 दिन रहो तब पता चलेगा, ठीक है। लेकिन चलो बाकी दोनों को तो समझ में आता है, पति यहाँ नहीं है तो कर ले, उनको तो अपने पति के सामने ही बुराई कर रही है। मैं बुराई क्यों मम्मी करी हूँ, करते हैं पीछे कर रही है, पापा की पीठ ही तो है। मैं बोली जो करते हैं पापा की पीठ है, आप पीछे से जो करते हैं उसको मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अपना सब सामान समेट के रखते हैं, सब करके रखते हैं। लेकिन उसको फल क्या मिलता है उनको? अरे फिर भी बहुत अच्छे, पापे कौन सा मिलता है, फिर भी वो अविनाश के पापा बहुत अच्छे। मैं इतना जिंदगी भर से कर रही हूँ, मुझे क्या फल मिला आज तक? तीन औलादों को पाल दिया, चार मंजिल पानी चढ़ाया है दिल्ली में आके, मान गई आपके साथ, मेरी हड्डियाँ गल गई पानी भरते भरते, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा था उस टाइम। मम्मी मैं समझ गई, हाँ कोई तीनों को नहलाना, तीनों को धुलाना, तीनों को खिलाना, समझती है वो, कहती है हाँ मम्मी सही बोल रही, पापा करते हैं क्योंकि ये भी करता है। अरे बहुत खून पीता है, बहुत खून पीता है। हम लोग साड़ी देखने आए हैं दुल्हन के लिए, तो दुल्हन को साड़ी पहना देंगे अच्छी सी, ये जो है बॉर्डर वाली, ये सब ये वाला भी दिखाओ ना, मतलब साड़ी ये सब ठीक है, मैं साड़ी में दम नहीं है। ये तो शादी के दिन वाली साड़ी लग रही है, नहीं तो वैसे ही देना है ना। अच्छा एक बार वो वाला भी दिखाओ मुझे, क्या ये और पीली वाली एक जैसी है ना? कौन सी? नहीं ये नहीं, ये दूसरी, वो दूसरी है, बहुत सही है बेटा, इसको बराबर मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं बात तो बहुत सही चीज दिए हैं, देखो इसी में दिक्कत न कर, ये पहनोगे ना हो सकता है कि दर्द में आराम भी मिल जाए, खून नरम है, बहुत अच्छा है। ये क्या पहन रही हो तुम? ये रहेगी ऐसे, और कसना पड़ेगा जब पहनोगे, थोड़ा सुविधा, बहुत सारा ही सुविधा है, बिल्कुल बस। चलो चलो छोड़ो, इसी तरह इनको डाल दिए हम जबरदस्ती, माफ करना भैया ये न कर पाओगे। रसगुल्ला आ चुका है, एक एक करके सब खा रहे हैं महिलाएं यहाँ पे बैठ के, और अभी मैं वेट कर रही हूँ अविनाश का, अविनाश एक बार आ जाए, इस बच्ची के लिए दवाई लेने के लिए गए हुए सब। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि बाहर जाके पहले खाने पे दावा बोलेंगे ना, लेकिन बहुत आदमी है अभी, बहुत तो ये आदमी खत्म नहीं होंगे, नहीं नहीं हो जाएंगे, कब खाएंगे फिर, हमें खाना नहीं मिलेगा, पनीर की सब्जी जगह नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे बताओ, पनीर खत्म हो गया तो मुझे बोलना नहीं, फिर मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर पहुंच जाऊं, अगर मैं आपको यहीं से दिखाऊं ना, आओ दिखाते हैं, दिखाओ ना कितनी पब्लिक है, मेरे को कुछ नहीं पता, आदमी लोग दिखाते हैं, मैंने सुना है आज 800 लोगों का खाना है यहाँ पे, 800 लोग किसको बोलते हो, मजाक है क्या? कितना लोग खा के चले गए, कितना लोग खा के चले गए, तो हम लोगों के लिए क्या ही बचेगा सोचो, ये मेरे को बहुत दुख है इस बात के लिए। अरे बाबा रे, अरे डीजे यहाँ पे है, ये देखो और उसके बाद वहाँ देखो, बैठेंगे ना उनके साथ ही आएंगे ना, मम्मी वगैरह के साथ सब बैठते हैं, पापा मजे ले रहे हैं, अरे पूरा बैग वैग सब लोग, मौसा चाचा सब मजे ले रहे हैं इधर, सबसे फोकस वाले तो जीजा सामने बैठे हैं, आज वो डांस करेंगे, हाँ वो रहे ना, इनका डांस देखना है। जरा बता दो आपने क्या बिल पास कराया है? आज मैंने यहाँ पे एक बिल पास कराया है, सब महिलाएं तैयार होके घर के अंदर रहती है, घर के अंदर बैठती है और सारे पुरुष बाहर मजे ले रहे हैं। हम लोगों को अधिकार नहीं है क्या कि हम भी बाहर जाएं? पापा आ गए।
तो मौसा जी से गुहार लगाई गई है। तो पापा को पता नहीं ये बात, लेकिन मैंने मौसा जी को बोला है कि आप हमारे साथ दीजिए कि घर की औरतें बहू बेटियां भी बाहर आए पल्ले में आ जाए, कोई बात नहीं, जिसको आना है करवा दिया। देखा मेरी बात, आप लोग मेरे साथ ही ताली बजाइए मेरे सब लोग। अब ये महिलाएं आज बाहर आएंगी। पापा पापा पता है पापा ने क्या किया? मामे ला प्रदुम्न मामा ने बोला है मुझे डांस करने को चुन्नी पे। अरे अभी दवाई क्यों दे दी? एक सेकंड, नहीं नहीं उसको देनी है। अरे एक घंटे पहले ही दवाई दी उसको। नहीं नहीं, सारी महिलाएं बाहर जा रही हैं, पापा कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे औरतों के यहाँ क्यों भड़का रहे हो? भड़का नहीं रही, यहाँ की प्रथा है घूंघट में औरतें रहती हैं। अभी बाहर जा रहे हैं लोग तो मुलाकात हुई है लेकिन अब ये होने मतलब ये होना चाहिए। अब मुलाकात होगी तो हम नहीं कुछ देंगे। उनकी दादू को दिखाइए मेरे तरफ। ये दोनों रसम है बस और अधिकार नहीं है। बाबू ने एक बार कैसे हुआ कि गोरखपुर हम लोग आते हैं और आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई? अरे बहुत प्यार, आप दोनों को बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। बहुत दिल खुश हुआ आपसे मिलके, बहुत खुश हुआ। और मैं बता रही हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि हम लोग जल्दी से यहाँ पे आए और जब तक आए तो हमें गुड न्यूज भी मिले
और आप खुद तरक्की करते हो। गुड न्यूज इतनी जल्दी मत देना, वहाँ पे तरक्की मत कर जाना, तरक्की करना काम की तरक्की। हाँ, वहाँ करना की है, दो साल से तीन तरक्की ना कर दे। बाकी मौसा जी ने तो हमारे अरमान पूरे कर दिया, सारे रूट छुड़वा दिए, बोल रहे कि मेरे लिए मौसा जी सबको खाली करा दिए और औरत लोग को बाहर बैठने का आदेश, सारे रूल छुड़वाए आज मौसा जी ने हमारे। शैतान पर थोड़ा ध्यान रखिएगा खाली, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, निकलो, चलो दूल्हे राजा। बैग रख दिया ना पीछे, यार सबकी आंखों में आंसू है यार, मेरे को ये बहुत बुरा लगता है, देखो मैं क्या कर रहे हैं यार। अब यही नियम है यहाँ का भाई, टाइम बड़ा गलत लगता है मेरे को सबको छोड़ के जाने का। गुड मॉर्निंग पीपल, हम लोग निकल गए हैं आज गोरखपुर के लिए, यहाँ से बाय बाय। और गोरखपुर में पहुँच गया, अभी आपको मिलेंगे हम लोग, क्या क्या करेंगे। हमारे साकेत हैं जिनको हम लोग लास्ट टाइम भी मिले थे, उनको हम लोग मिलेंगे और जो भी उन्होंने प्लान किया होगा वही करेंगे। तो थोड़ा टाइम है हमारे पास गोरखपुर के लिए बिफोर वी टेक द फ्लाइट, वहीं पे थोड़ा टाइम पास करेंगे। ये यहाँ की आवाम को बाय बाय, ये एरिया बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लगा। आज मंचू पिंचू टिंचू किंचू के पास जाने का वक्त आ गया है, हम लोग चले अपने गांव। जी ये हम लोग आ गए गोरखपुर, अभी पीछे मैंने देखा कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल के पास पिछली बार आए थे तो क्रूज बनने वाला था जो कि बन गया, अब यहाँ पे बन रहा है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट गोरखपुर में, जियो जियो गोरखपुरिया। देखेंगे ना, लेकिन अभी इस बार चल, अभी वहाँ को जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो नजर मारेंगे। साकेत तो हमें मिल लिए हैं, अभी वो उनकी गाड़ी आ गई है, हमारी गाड़ी उनको फॉलो कर रही है, तो अब हम उनके हवाले हैं, जहाँ जहाँ वो लेके जाएंगे हम वहीं वहीं जाएंगे। ये रहा रामगढ़ ताल गोरखपुर का फेमस, और वो रहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो बन रहा है अभी। ये रहा गोरखपुर का चिड़ियाघर, बंदर चिड़िया होती है, चिड़िया मतलब सारे जानवर होते हैं ना, होते हैं अंदर होते होंगे। हाँ हाँ, सारे जानवर बोले तो सारे, मतलब सारे। तो हम क्यों नहीं गए यहाँ पे, चिड़ियाघर जा सकते थे वैसे, है ना। हाँ, हम क्यों नहीं गए, धूप बहुत है बस। धूप तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं गोरखपुर में, और ये हमारे साथ ही हमारे साथ ये रहे प्रेम में, आपने लास्ट टाइम भी इनसे मिले होंगे, बहुत ज्यादा शर्माते हैं, लेकिन फाइनली हम लोगों को लेके आए हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट है हजरतगंज रेस्टोरेंट, लास्ट टाइम दूसरे पे गए थे हम लोग, रंगले जाके। हाँ, तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे, ज्यादा टाइम है तो नहीं हमारे पास। ये बंदूक क्यों दिखा रहे हैं हमें, तो हम लोग ज्वेलरी भी है ना। अच्छा ज्वेलरी, अच्छा हम कुछ नहीं करेंगे, फ्री में नहीं लेके जाएंगे। तो हम लोग बस यहाँ से खाना खाएंगे, फिर आगे निकलेंगे और देखते हैं। वहीं पे मैं कॉफी पीना चाहती हूँ, जहाँ पे लास्ट टाइम साकेत आप लेके गए थे, वहीं पे जाएंगे कॉफी पीने। इतना कमाल की जगह थी ना वो, तो मैं इस बार ना आप लोगों को, मैंने अगर मिस हो गया हो लास्ट टाइम, तो इस बार उसका नाम भी बताऊंगी। ब्लॉग नहीं बनाया था आपने कॉफी, मैंने नहीं बनाया था शायद। हाँ अच्छा, वो ब्लॉग भी किया था, तो इस बार मैं ब्लॉग भी करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि उस कॉफी शॉप में, अगर आप गोरखपुर में हो और आप बढ़िया कॉफी के शौकीन हो तो उस कैफे में जरूर जाना। इसका नाम हजरतगंज क्यों है, जगह का नाम हजरतगंज नहीं, वो लखनऊ में हजरतगंज है ना, उसके नाम पे डाला। अच्छा, तो ये मैंने मंगवाया है कुछ हरा भरा कबाब, जरा खा के बताती हूँ आपको कैसा है, ये जरा देना। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कितना खाएंगे, ये तो खा नहीं रहे हैं, हम दोनों खा रहे हैं बस। तो हमने जो भी मंगवाया वो हाफ प्लेट मंगवाया है, लेकिन सच्ची में करके थे बहुत अच्छा।
कि हम लोग खाना खा के निकल गए, अभी जा रहे हैं हम लोग अपनी, जो मैंने आपको बताया था ना कि कॉफी की जगह पे जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम कॉफी पीते थे, शायद ब्लॉक नहीं किया था, इस बार आपको लेके चलती हूँ, शॉप भी दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा, जब भी आप आओ तो यहाँ पे कॉफी जरूर पीना। चलिए हमारे साथ। फाइनली आ गए हम लोग, इसका नाम है ब्रूअर्स कैफे, बहुत ही बढ़िया कॉफी शॉप है, बहुत बढ़िया मजेदार, अंदर इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, कॉफी तो अच्छी है ही है। और आज साकेत जी ने मेरे को बोला है कि मेरे अंदर मानवता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्चुअली बिल को लेकर झगड़ा हुआ कि बिल कौन देगा, बिल कौन देगा, उस पर ये कहते हैं आपके अंदर तो मानवता ही नहीं है। गुस्से में इन्होंने बिल नहीं देने दे रही थी तो कहते हैं आपके अंदर मानवता नहीं है। ये बहुत बड़ा अच्छा लगा मुझे। Yes. मेरी मानवता मुझे वापस चाहिए। अब आप ये बिल आप पे कर रहे हैं तो मेरी मानवता मुझे वापस चाहिए। मिलना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन दे दो, कैमरा पे दोगे तो ही मिलेगी मेरी मानवता। अच्छे से अविनाश जी को बहला फुसला के संभाल लिया था, आप जो पता नहीं कहाँ से आ गए, जो झगड़ा किया मुझसे, मैं डर गया। मेरी मानवता मुझे वापस करो। दे रही है, दे, पक्का हो गया ना? आप लोगों के सामने मैंने मेरी मानवता हक से वापस ली है, और ये साकेत ने ऑन कैमरा बोला है, मानवता के साथ कोई हेरफेर नहीं, मानवता तो मुझे वापस करनी ही पड़ेगी, लेके रहूंगी। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अब हम लोग जा रहे हैं एक क्रांतिकारी रहे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उनको फांसी हुई थी, तो गोरखपुर जेल जा रहे हैं हम लोग, गोरखपुर जेल जा रहे हैं, और बाकी डिटेल्स आपको साथ में रास्ते में बताएंगे और वहाँ पे बताएंगे। तो जी हम लोग जा रहे हैं अब गोरखपुर जेल, और मैं आज आपको जेल के अंदर का वो नजारा दिखाऊंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा।